अभी तो तुम सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मेरी आज्ञा का पालन ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और यदि कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे और वही करे जो तुम्हें प्रिय नहीं, तब तुम क्या करोगे गजमुखासुर? किस उद्दंड का स्वर था ये? किसने किया इतना दुस्साहस? दंडता नहीं गजमुखासुर, ये चुनौती का स्वर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि साहस है तो युद्ध करो मुझसे और अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो। चुनौतियाँ तो मुझे अत्यंत प्रिय है मूर्ख, क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला मृत्यु के मुख में ही प्रवेश करता है। और किसी को मृत्यु देना मुझे विशेष आनंद देता है। तो जो भी है तू कहो, मैं वहां आऊं या तू यहां आकर मुझसे युद्ध करेगा? अब मेरा वार तेरा संहार करेगा मूर्ख। मुझे चुनौती देने का दंड तो तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इतना शीघ्र नहीं गजमुखासुर, अभी तक मैंने पराजय स्वीकार नहीं की है। असुर हो इसलिए ये तो नहीं कहूंगा कि अपने अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण कर लो, किंतु अत्यंत भाग्यशाली हो तुम, क्योंकि अभी यही मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है मुझ पर, जिसने मुझे अपने प्रभाव से ही जड़ कर दिया। गजमुखासुर, अपना अस्त्र नीचे रखो, पराजय स्वीकार करो। इस मायावी ने तो किसी माया में पान दिया है मुझे, कैसे मुक्त हूं मैं? मैं तुमसे दुर्बल हूं, तुम विजय हुए, मैं पराजय स्वीकार करता, तुम मेरे सिंहासन पे स्थापित हो जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। Thank you.
असुर सम्राट बन गए सिंदूरा। अति बलशाली महानायक असुर सम्राट सिंदूरा। ये सिंहिका सभी असुरों की ओर से आपका अभिवादन करती है। असुर महानायक सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर महानायक सिंदूरा की। देवलोक में इतना प्रकाश क्यों है? किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये देवता? लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा व शारदा इंद्र सहित सारे देवी व देवता पार्वती सुत को आशीष दे रहे कैलाश से सब प्रस्थान दे रहे दिव्य अनुपम दृश्य उत्पन्न हुआ हर्षित अचंभित देखे विनायका। देवताओं में इतना उल्लास तो इसी बात का प्रतीक है असुर सम्राट सिंदूरा कि आपके राज्यकाल के प्रारंभ में ही कोई अशुभ बाधा उत्पन्न हो रही है। तो तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? शीघ्र ज्ञात करो कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है? इतना प्रकाश क्यों है वहाँ पर? इतनी हलचल क्यों मची है? ज्ञात करो। सिंदूरा प्रस्तुत है किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए। युद्ध, हाँ हाँ युद्ध, उसी से आनंदित होते हैं हम असुर। युद्ध चाहता है सिंदूरा। कहा था कि मैं पुष्प लेकर आ रही हूँ तो तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेती। चंपा के पुष्प प्रिय है पार्वती को किंतु तुमने चमेली के पंखुड़ियों से उसका आसन सज्जित कर दिया। क्यों भला? मेरे कहने पर एक गण मेरे द्वारा चुने हुए चंपा के पुष्प लेकर आया है मेरे साथ। वैसे विजया तुम्हारा वो गण और चंपा के पुष्पों की डलिया कहाँ है? वहाँ। कहाँ? हमारे ऊपर पंखुड़ियां उड़कर कहां से आ रही हैं? ये डलिया, मेरा मस्तक, मेरे नेत्र ढक गए इससे। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अच्छा विजया, दुखी मत हो, अपनी चंपा के पुष्प पुनः चुन लाओ। तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पों से ही सज्जित करती हूँ। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो, ये दोनों तुम्हारी मौसी हैं, जया और विजया। मौसी? माँ, मौसी कौन होती हैं? पुत्र,
मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है, माँ की बहन वो होती है मौसी। तब तो ये भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती हैं। जया मौसी, ये अपनी सुन मेरी ओर क्यों बढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का। मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदाई स्पर्श से। उचित कहा था तुमने, तुम्हारी माँ के समान दुलार करूंगी तुम्हारा, संसार भर का स्नेह उड़ेलूंगी तुम पर पुत्र। सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंह का। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए, असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूँ मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए, वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपके शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने, प्राण दंड दू या क्षमा कर दो इसे। वही जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा। इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं। आनंद अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। प्रणाम माता। माता मैं ये पुष्प लाया हूँ, इन्हें कहाँ रख दूँ? आपका स्मरण है मुझे नंदी जी। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं? आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुनाकर मेरा मनोरंजन किया था ना? पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। अतीत के अंक में तो
अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं, जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का स्मरण रखे वो नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती के पुत्र का व्यक्तित्व भी अपनी सकारात्मकता के गुण से अवश्य निखरेगा। पुत्र, ये शिलात पुत्र नंदी है, महादेव के वाहन और उनके मुख्य गण। आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था, वो पुनः दिखाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। अवश्य अवश्य दिखाऊंगा, मैं आपको उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए माँ, वो देखिए, पिताश्री और आप, और वो मैं हूँ, आप दोनों के साथ। आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना, कितना लुभावना दृश्य है माँ। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी से तो ये प्रसन्न होकर, किंतु मैंने तो इन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया था, बस युद्ध ही किया था, तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा व्यवहार ही करेंगे। बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंह, मुझे आपका पराक्रम भली भांति स्मरण है, किंतु वो तब की बात थी, अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना। कितने मीठे बोल बोलते हैं, कितना सौम्य है, इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था मैंने, विश्वास नहीं होता। अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए हैं ना, अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा, क्रीड़ा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ। पार्वती, ये तो बड़े आनंद की बात है कि अब हमारा पुत्र अपने परिवार से खुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत संबंध स्थापित कर रहा है। अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा, जब तक आप कैलाश से भली भांति परिचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, सून जी को भी कुछ सुगंध आ रही है। माँ, क्या मैं विजया मौसी के साथ पुष्प चुनने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मौसी के साथ ही रहना, एक पल भी उनसे दूर होकर खो मत जाना। अब मैं तुम्हें किसी और संकट में पड़ते हुए देखना नहीं चाहती। क्या हो रहा है, कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इन लोगों पर? जो भी हो चले जाओ यहाँ से, हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। कैसा हीन परिहास है ये कैसी असुर शक्ति है जो इंद्रलोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर
मुझे देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। ये कैसी कंपन? इस भयंकर शक्ति का दुष्प्रभाव है। यह इंद्रलोक पर किसका आक्रमण है? लोक के भीतर आकर यहां की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है ये जो यहां के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है?